पाएगा क्योंकि 550 से ऊपर रियासतें थी यहाँ पर 563 सभी एकजुट हो पाएंगे।
जो कि जिस सिद्धांत पे वो राज कर रहे थे, बाइडेन रूल बांटो और राज करो, उनको पक्का बोलो, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उल्लेख। यहाँ पर इस संदर्भ का उल्लेख करना इसलिए जरूरी था कि आज हम लोग उसी चौराहे की उस तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा का स्तर जरूर बढ़ रहा है, संपन्नता बढ़ रही है, आर्थिक विकास दर बढ़ रही है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भावनाएं ऐसे हैं जिसमें समाज बटा हुआ है। समाज में जाति, धर्म, समुदाय, इन सब का भावना चल रहा है, हम लोग चाह हो रही है। तो पूर्वजों के जो क्रियाकलाप रहे हैं, उन्होंने जिन परेशानियों को झेला है, हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उस हिसाब से हमको सीख लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि रहा है। गोमती नगर पंचायत की बात करें तो हमारे चेयरमैन साहब झंडा बांटते बांटते ही परेशान होते, यदि 10 मिनट बैठते हैं तो कोई ना कोई झंडा लेने आ जा रहा है, तो झंडा लेके वो क्या करेगा, लगाएगा ही। उत्साह है देश के अंदर, नागरिक के अंदर प्रेम है, इस वजह से वो क्या कर सकता है, झंडेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा उत्साह होगा नेता लोग और झंडे की व्यवस्था करते और हर घर घर में एक एक नहीं बल्कि दो दो झंडे लगवाते, परंतु इतना आइडिया हम लोगों में नहीं था, इतना टारगेट था उससे दुगना झंडे हम लोगों ने व्यवस्था की थी। और हमें जानकर और हर की बात है कि हमारे हर गाँव में भी, मैं अभी परसों लखनऊ गया था और वहाँ पर मैंने देखा उतने प्रतिशत के अनुसार झंडे नहीं लगे थे जितने हमारे हर गाँव में लगे। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि हम लोग इस विचारधारा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही इस बार 15 अगस्त में हमने देखा कि जो है एक उत्साह के साथ कल पूरा समय यहाँ पर रहे, इसके अतिरिक्त भी झंडों की व्यवस्था करना, लखनऊ से लाना, सबकी व्यवस्था करना और लगातार लगे रहना, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और इसलिए सब लोग साथ में सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जातवाद का मामला था, लेकिन इस बात की हमको बहुत खुशी है कि इसमें कोई जातवाद की नहीं, बस झंडे का उत्साह इतना ज़्यादा रहा हर समुदाय में। और हम सबको जो है नगरवासियों को, देशवासियों को पूरे पहले दिन से जो है 25वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएँ। एक बात और है कि आज जो है, जैसे हर वर्ष 15 अगस्त के बाद ये कार्यक्रम होने के बाद वर्किंग डे है, आज आप भी काम करेंगे और सभी लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे करते थे पर डे, ये सरकार का निर्णय है, इसमें आदेश है, तो हम लोग को काम करके दिखाना है भाई।